हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? तो मैं आपको कुछ एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये सर्कुलर सॉ मैंने कुछ दिन पहले ख़रीदा था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ दिन पहले ख़रीदा था। तो बात क्या है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें आप जब पहली बार ब्लेड फिट करेंगे, ब्लेड इसमें वैसे फिट नहीं आता है, लूज़ आपको देते हैं ब्लेड, तो इसमें ब्लेड फिट नहीं आता है, आपको लूज़ देंगे ब्लेड। तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को, जब ब्लेड लगाते हैं तब ये जो नट है, ये जो नट है, तो ये नट इसमें कोई मतलब इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो ये लॉक नहीं रहता, ये पूरा चीज़ ही घूम जाता है, पूरा चीज़ घूम जाता है, ये तो ये पूरा चीज़ घूम जाता है। तो इसमें ब्लेड फिट करने के लिए दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है कि इसे हम कैसे खोलें। तो बात यह है कि ये चीज़, ये वाला चीज़ आपको दबाना है। ये चीज़ क्या करता है कि ये उस जो नट को है पूरा वो मोटर के अंदर जो पूरा है वो लॉक कर देता है। तो इससे क्या होता है कि ये जब लॉक होता है तो इसे हम, मैंने जो आपको दिखाया वो दबाइएगा, ये आपको लगेगा कि लॉक हो गया। ये जब लॉक होता है तो आप इसे आप खोल सकेंगे। और याद रखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज खुलता है। देखिए ये, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज खुलता है, एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है ये। आपने ये कर दिया, ये खुल गया। आप इसको ऐसे करके निकाल ले, ब्लेड को ऐसे लगाएं, इसमें फिट कर ले, इसको लगाएं और इसको फिर आप ये जो नट है इसको आप क्लॉकवाइज टाइट कर दें। ये अंदर का जो, इसको दबाइएगा, देखिए देखिए, गौर गौर कीजिएगा, ये मैं घुमा रहा हूँ, ये पूरा चीज़ घूम रहा है, टाइट नहीं हो रहा है, पूरा चीज़ घूम रहा है ये। तो आप इसको अगर ऐसे चलाएंगे तो ये, जब आप चलाएंगे तो खुल जाने का एक डर होता है। तो ये अंदर में जो मैंने आपको दिखाया था वो आप एक बार दबाइएगा, ये ऑटोमेटिकली चीज़ लॉक हो जाएगा और उसके बाद आप इसको टाइट कर दीजिए क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको क्लॉकवाइज टाइट कर दीजिए। ये लीजिए, टाइट हो गया चीज़, ज़्यादा ओवर टाइट मत कीजिएगा, हिसाब से टाइट कीजिएगा, बीच बीच में चेक करते रहिए, चेक करिएगा कितना टाइट करना है, कितना लूज़ करना है। और एक बात, ये जो ब्लेड है आप इसको हमेशा 90 डिग्री एंगल में रखिएगा। ये 90 डिग्री एंगल कैसे रखिएगा आप इसको, 90 डिग्री एंगल जो स्केल होता है उसके, उससे आप ऐसे चेक कीजिएगा, ये पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, तभी आपका जो, जब आप कट देंगे तब आपका कट सीधा रहेगा और ये ब्लेड जाम नहीं होगा। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि ये ब्लेड थोड़ा सा आपको वैसे नज़र में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा बेंड होता है कभी कभी फिटिंग के दौरान या ये इसके लिए। तो यहाँ से ये जो लूज़ करने का है 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपको अच्छे से सेट करना पड़ेगा, इसे आप सेट कर लीजिएगा और इसे पूरा 90 डिग्री एंगल में रखिएगा, तब तो आपको काटने में मज़ा आएगा, ठीक है गाइस। तो यही था, यही बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और आगे वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूँ।